बैक टू जागो लाहौर जनाब, और आज हम बात करेंगे कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसके हवाले से योगा कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितनी विल पावर चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। डेफिनेटली मेडिकेशन तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ आप किस तरह से खुद को जो कह लें मोटिवेटेड या क्योर कर सकते हैं, ये हमें बताएंगी सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सलाफे क्या बताने वाली आज हमें कैंसर के हवाले से? आज जाहिर है कि डे भी इस तरह का है जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मेन मकसद तो अवेयरनेस का ही होता है। दूसरी चीज, एक अपने बारे में एक चीज इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती चलूँ अपने बारे में कि माय मॉम इज अ कैंसर सर्वाइवर, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो क्योर हो गई। थर्ड स्टेज था सीए ब्रेस्ट, तो वो क्योर हो गया। एक तो विल पावर और एक जिसे कहते हैं बरवक तशखीस और उसके बाद सही इलाज बहुत जरूरी है। एक मैसेज असल में मैं यहाँ पर इस डे के हवाले से देना चाहती हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि ये काबिल इलाज है कैंसर की कोई भी फॉर्म हो। अब बारी आती है कि हम योगा के जरिए इसको किस तरह से क्योर या प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से कैंसर की जो कुछ फॉर्म्स हैं वो आ जाती हैं बॉडी के अंदर। अब हमें जो है बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को भर सकते हैं। होता है ये कि हमारी ब्रीदिंग नॉर्मली या तो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है या हमें पूरा सांस भरना नहीं आता, कहीं ना कहीं हम सही इनहेल एक्सहेल नहीं कर रहे होते, और वो तमाम एक्सरसाइज किसी का किसी भी आर्ट से ताल्लुक हो, वो तमाम एक्सरसाइज जिसमें हार्ट ओपनिंग होती है, शोल्डर ओपनिंग होती है, वो आपको करनी होगी प्रैक्टिस। और हेल्दी वेट रखना अपना जो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और मैं लोगों को ये कहती हूँ गेट मूविंग। आपको अपने जो फिजिकल एक्टिविटी आप उसको नहीं छोड़ सकते अगर आपको इस चीज़ से बचना है या क्योर की तरफ या प्रिवेंशन की तरफ जाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, जब भी कोई भी डिजीज़ या कोई भी चीज़ हो तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो आप पर कोई चीज़ हमला करती है। तो उसमें ये होगा कि हमें सबसे पहले तो हम एक प्रेशर पॉइंट जो हमने पहले भी बताया था, आपकी रिंग फिंगर की जो टिप होती है उसको आपको मसाज करना होता है। तो ये इम्यून सिस्टम तो सबसे पहली चीज़ आपको, ये हर किसी को इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए, और जिस हवाले से हम आज बता रहे हैं उस उन वाले जो उन लोगों को तो ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जहाँ बात आती है कि मैं कहती थी ऑक्सीजन किस तरह से अपनी बॉडी में आप फिल कर सकते ब्रीदिंग हैं। यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक कैट काउ हम बता चुके हैं, अभी होती है डायफ्राम को ओपन करने के लिए। आपने अपना हाथ यहीं रखा, अब आप ये बैठे बैठे कर सकते हैं, अगर आप खड़े होकर करना चाहते कर लो, लेकिन डीप ना चले जाए इसलिए बैठ कर करें। आपने अपने हाथ यहाँ रखे, अब जैसे इनको ओपन करेंगे तो आपकी एल्बो पीछे जाएंगी और आपकी जो बैक है वो आर्च में जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्क्वीज जस्ट लाइक कैट काउ जो हम करते हैं। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जहां आपकी जो लास्ट रिब होती है ना वहां आप अपने एक्चुअली हाथ रखेंगे और आप अपना पूरा सांस भरेंगे। अभी होगा 10 to 12 टाइम्स आप इस चीज को करें, 2 से 3 दफा इसको दिन में करें तो आपको खुद फील होगा कई दफा आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज नहीं हो पा रही होती। सांस का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी सेहत से। बिल्कुल, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे ख्याल से वैसे भी योगा में बहुत ज्यादा कंपल्सरी और इस पे डिपेंडेंट भी होती है कि आप जब भी योगा के कोई भी आसन कर रहे हो तो ब्रीदिंग आपके साथ वो जरूर, वो एक सेट बना लें। जब भी आपने एक्सरसाइज की, आपने योगा किया, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर शामिल करें, मेडिटेशन जरूर शामिल करें। एक चीज जो नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट बताने से पहले एक चीज बता दूं कि कलर थेरेपी भी ये कहती है कि जब भी कोई आपकी बॉडी में इम्बेलेंस आता है, स्पेशली जो हम कैंसर की बात करें उसमें, अगर आप रेड कलर को सोचते हो तो आप कहीं ना कहीं उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाते हो, क्योंकि ये मेटाफिजिक्स ये कहती है कि आपके बॉडी में रेड कलर यानी इंसान के अंदर भी कलर्स मौजूद होते हैं, तो वो कलर की कमी होती है, तो रेड कलर के बारे में आप सोचेंगे तो आपकी जो तबीयत बेहतर होने शुरू हो जाएगी। सो कीमो इंड्यूस्ड भी अगर हम बात करें, नौजिया हो जाता है तो उसमें पेन या ऐसी चीज़ से अगर वो गुजर रहे हैं, या वैसे आपको कोई हेडेक या माइग्रेन है या नौजिया हो रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा जहां आपको हॉलो महसूस होगी या जगह या आपको नर्व महसूस होगी उसको आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा और आप इसको अच्छे से यहां पर मसाज करें तो आपको बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज अब मैं बताऊंगी अपनी रिवायती जगह पर जाके, आप उस जगह पर जाएं और हमारे देखने वालों को एक्सरसाइज। जब कैंसर के हवाले से हम डेफिनेटली उस चीज पे तो नहीं है कि मेडिकेशन आपने जो है वो छोड़ देनी है या आप योगा पे डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन जरूरी है कि आपने साथ में इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसमें जो मसाइल आपको सामना करना पड़ता है कैंसर के, खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसके दौरान इस तरह की योगा या एक्टिविटी से बहुत सारी चीजें बेहतर। बिल्कुल, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री चीज बता रहे होते हैं, ऑल्टरनेटिव ये जो मेडिसिन जिसे कहा जाता है ये वो चीजें होती हैं। अब आती है यहाँ पर, या तो आप स्पाइनल ट्विस्ट पे ध्यान देंगे या हार्ट ओपनिंग के लिए आप क्या करेंगे, लॉक योर हैंड्स। अगर
आसान है। तो अदरवाइज आप अपनी एल्बो इस तरह रख लें, अगर आप रख सकते हो एल्बो यहाँ रखी, या कोशिश करें कि आप अपने हाथों को पीछे लॉक करें। लॉक किया, बेंड। अब अगर शुरू में आपसे इतना बेंड नहीं हुआ जा रहा तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने लॉक किया, स्ट्रेच, ठीक है, एक्सहेल। इसलिए बता रही हूं आपसे, ये होगा आपके जो हार्ट ओपनिंग जितनी भी, मैं वो बता रही हूँ कि ऑक्सीजन की कमी, जो आपकी सेचुरेशन कम हो जाए बॉडी में, तो ये चीज आप पर आ सकती है, खुदा ना खास्ता। तो अगर है भी तो तब भी आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तब ये होगा कि अगर आप किसी सर्जरी ऐसी किसी चीज से गुजरे हो, तो फिर जरा आपको ये होगा कि आप हल्के से अपने हाथ यहाँ आपने पीछे रखा, सिर्फ ऊपर अपने नेक को उठाएंगे। अदरवाइज वैसे जो हम अगर प्रिवेंशन के लिए बता रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपने अपने हाथ यहाँ रखे, लॉक किया, ठीक हो गया, एंड सलाफा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत सारे लोगों को इतनी फ्लेक्सिबल। अब अगर प्रिवेंशन के लिए बात करें कि जैसे कि आप इससे बचना चाहते हैं, उसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो तब इन प्रैक्टिस पर आएंगे। अब अगर आप उस चीज से खुदा न खास्ता गुजर रहे हैं, तो वहां फिर योगा के हाथ ले जाना पीछे जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो गई होती है समटाइम्स कीमो के प्रोसीजर में भी। तो आपको योगा सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें जहां आप अपना हाथ रख सकते हैं, सिर्फ आपने वहां हाथ रखा और स्पाइनल ट्विस्ट थोड़ा सा आपने कोशिश की। मैं इसलिए आराम से करके बता रही हूँ कि इसी तरह आपको करना होगा, एंड एक्सहेल, इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल। अब एक चीज जो हर कोई कर सकता है, चाहे प्रिवेंशन या प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, इसमें आपने ये किया कि आपने अपनी लेग इजीली, ज्यादा स्ट्रेच आउट करने की जरूरत नहीं है, जहां रख सकते हैं बैलेंस देखें कि आपकी बॉडी कहाँ करती है अपनी ईज के मुताबिक। उसके बाद अपने हाथ आपने ऐसे सामने ले जाएं एंड बैलेंस। यहाँ थोड़ा सा मूव अगर आपको करना है तो कर लें, अदरवाइज नहीं, सिर्फ यहाँ रुके, बैलेंस करें, बैलेंस किया। ये किस लिए बता रही है आप सलाह? ये भी वही हार्ट ओपनिंग और आपकी जो जो ऑक्सीजन है आप वो एनवायरमेंट से ले सको, अगर उसकी कमी आपकी बॉडी में आ चुकी है तो। अब उसमें योगा हैमस्ट्रिंग की आपकी जो स्ट्रेच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब योगा ये बिगिनर्स भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लेग जितना स्ट्रेच कर सकते हो, इसमें ज्यादा आप खुद को हम पुश नहीं करेंगे। लेकिन सलाफे बहुत सारे हेवी वेट लोग होते हैं जिनका थोड़ा ओवरवेट है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए एक चीज होगी, उनके लिए ये होगा कि वो अपने नी के नीचे कोई भी सॉफ्ट चीज रखेंगे, सही, फिर वो कर सकते हैं। अब ये होगा कि आप दीवार के साथ सपोर्ट ले रहे हो और आपने अपनी नी के नीचे कोई भी चीज रखी, क्यों, जब वेट होगा फिर पेन शुरू हो जाएगा, और अगर कोई अर्थराइटिस वगैरह के लोग हैं तो उनको इश्यू होगा। इसलिए आपने अपनी कोई भी सॉफ्ट चीज नी के नीचे रखी, करना सिर्फ और सिर्फ आपको यह है कि अपने हाथ क्रॉस में लेकर जाने हैं। ये नर्व्स एंड टर्मिनल्स की असल में बात होती है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस बता रहे हैं। अपने अपने हाथ क्रॉस में लेकर गए, चिन अप। अब जब आपको इस पोज में रहने की प्रैक्टिस हो जाए, यहां या आगे होते हुए आपने क्या किया, अगेन वही बात, स्पाइनल ट्विस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया, हाथ सामने बेशक रखो तो ट्विस्ट करने की कोशिश करो, या अगर आपको लग रहा है कि ये मुश्किल हो रहा है तो फिर यहीं रखकर थोड़ा सा खुद को, बॉडी को मूव कर लें, ठीक है। ये भी आप ऑक्सीजन दोनों साइड से, यस, ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, अगर हम दूसरी तरफ भी आ जाते हैं, जो हम अक्सर बता रहे होते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पर लव हैंडल्स वगैरह भी होते हैं तो वो भी कवर अप हो जाते हैं, लेकिन अगर आज के टॉपिक को देखते हैं तो उसके अंदर आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और कई दफा उसकी वजह से भी, ऑक्सीजन ना पूरी होने की वजह से आपको चक्कर आते हैं, कई दफा उसकी वजह से आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई दफा आपको फील होता है मैं बहुत वीक हूँ, तो वो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाना शुरू होगी आप बेहतर फील करोगे। अब इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एक फॉर्म है जो आपको करनी चाहिए, ये अच्छा नॉर्मली ये तो किसी को भी करनी चाहिए। इसमें क्या होगा, आपने कॉलर बोन के जो एंड है वहां आपने अपने थंब का जो ये टिप है ये रखी, अब यहां आपने अपने नेक पर हाथ रखे, एल्बो को उठाएंगे तो आपकी जो बैक है वो जाएगी आर्च में, इनहेल, एक्सहेल, एल्बो नीचे, इनहेल, एक्सहेल, ये। अब ये इम्यून सिस्टम के लिए, ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर करती है ये चीज, और आपके जो थायमस ग्लैंड है उसको भी बेहतर बनाएगी कहीं ना कहीं, फिर जैसे कहते हैं, हम कहते हैं जो आपका एजिंग प्रोसेस है वो भी रुकना शुरू हो जाता है। और इम्यून सिस्टम इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब ये कमजोर होता है तो बहुत सारे इंफेक्शन और ये सब आपकी तरफ आते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए डाइट के साथ साथ इस तरह की चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम फिटनेस की तरफ भी ज्यादा क्यों गौर करते हैं, हमेशा मैंने इसीलिए जागो लाहौर को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, फिटनेस की तरफ क्यों जाते हैं, 82
70-80% बीमारियां, एक तो ये साइकोसोमेटिक है, जहन से ताल्लुक है, दूसरी चीज ओबेसिटी हर चीज की जड़ है। अब इसमें अब आएगा एक आएगा कोबरा पोज। कोबरा पोज में भी होगा, इसे हम बेबी कोबरा कहते हैं। क्यों? आपके बाजू पे उसका कोई वजन नहीं होगा, आपकी बॉडी का होगा ये, सिर्फ और सिर्फ आप खुद को उठा रहे हो और यहाँ अब बाजू पे मेरे जोर नहीं है, मैंने सिर्फ रखा हुआ है एक पोस्चर के लिए, आपके जो शोल्डर के नीचे आपके हाथ आएंगे यहाँ पर, और आपने सिर्फ एक पोस्चर के लिए खुद को इस तरह किया हुआ है, ये फ्री है ये चीज की। इसमें हार्ट ओपनिंग है। अब यही चीज जो हमने पहले बताई थी कि आपने खुद को यहाँ स्ट्रेच आउट किया, कोशिश करें कि लेग्स उठा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ही रखें एंड रिलैक्स। तमाम आसन के दौरान ब्रीदिंग नहीं भूलनी, इनहेल एक्सहेल कम्प्लीटली, हमें कम्प्लीट सांस जैसे मैं कहती हूँ उसे भरना है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ही चीज में बताई, तो हमें प्रिवेंशन की तरफ जब जाना है तो हमें ऑक्सीजन कम्प्लीट अपनी बॉडी में चाहिए। दूसरी चीज जो हम हेल्दी हार्ट के लिए भी बता रहे थे कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ की कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ हाथ रखे आराम से, और यहाँ पर हाथ रख के आपने अपनी नेक पीछे कर ली। अब ये आसान प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए, अगर प्रिवेंशन के लिए है तो ठीक है, बिकॉज जाहिर है कि तब बॉडी में तो आपके इंसान में और जो खुदा ना खास्ता जिनको ये प्रॉब्लम है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर जो कहते हैं खुदा ना खास्ता हम जिनके लिए बात करें, अब उसमें ये होगा कि आपने या तो सॉफ्ट कोई चीज रखोगे या सोफा पर ही बैठ कर आप बैठे, और कोशिश करें जहां भी आप जिस चीज पर बैठे हुए हो सिर्फ आर्च बनाओ थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है या आर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्च बनाई आपने अपनी कमर की, इनहेल एक्सहेल, बिल्कुल ये कैट काउ है। या सबसे आसान चीज जहां बैठे हैं खड़े हैं या इस तरह से आपने ये किया, इनहेल एक्सहेल, आप वज्रासन में वापस आ गए, यहां आपने आकर इसको ज्वाइन कर दिया, अगेन इनहेल कंप्लीट सांस फील करेंगे आपके, आपने अपने लंग्स तक कंप्लीट सांस लेना है, स्क्वीज करना है या स्क्वीज किया अपने एब्डोमिनल जो भी आपका जो रीजन है उसको, और यहां आकर आपने इसको ज्वाइन कर दिया जो नर्व्स एंड टर्मिनल्स हैं, ताकि आपको जो एनर्जी रिवाइटलाइज भी होगी और जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो कंप्लीटली आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पाइनल ट्विस्ट जो हम ट्रेडिशनल एक चीज का योगा का बताते हैं वो नहीं भूलना चाहिए नॉर्मली भी हमें कभी भी। अब आपकी बॉडी में स्ट्रेस तो लेकर आता है लेकिन ये आपको सेहत देता है, उसकी तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपना हाथ यहाँ ला सकते हैं ऑपोजिट तो आप लाए, अदरवाइज यहाँ हाथ रखा, अब यहाँ ला सकते हैं तो सिर्फ आपने यहाँ कोशिश करनी कि शोल्डर की सीध में आप बिल्कुल सामने देखें। अगर नहीं देख पा रहे आप सलाफे बता रहे हैं? अब ये होगा कि हम स्पाइनल ट्विस्ट इसलिए बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम एक तो बहुत मजबूत हो, आप ब्रीदिंग सही से कर सको। अब जब आप डिफरेंट तरीके से ब्रीद करोगे आपको आदत पड़ेगी, नॉर्मल जब आपने फेस रखा हुआ तो आप सही ब्रीद कर रहे हो। अब हम थोड़ी सी इसलिए डिफिकल्ट इस चीज को बना रहे हैं, आपने यहाँ रखा, अब कंप्लीट इनहेल एंड एक्सहेल, दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आप लेग बेंड नहीं कर सकते या क्रॉस है ऐसे रखा हुआ है सामने रखा है तो तब ट्विस्ट किस तरह होगा, ट्विस्ट तब और ज्यादा आसान हो जाता है। आपने इस तरह हाथ रखा, यहां लॉक कर लें हाथ को या ऐसे रख लें, लॉक किया, इनहेल जितना आप जा सकते हो इजीली, ये कितना करना है सलाफा एंड एक्सहेल। अब इसमें ये होगा कि ये जो हम एक तरफ कर रहे हैं ये और सेकेंड साइड, ये वन सेट हुआ, ये जो वन रेपिटेशन हुई तो आपने इसको 10-12 टाइम्स इसको दोहराना है एक दफा में ही, मतलब कि आप मुसलसल इसको कंजेक्टिवली करते जाओगे, और इसको करने के बाद जितने भी लोग हैं वो महसूस करेंगे कि जो कई दफा हमें, अच्छा जिनको ऑक्सीजन सही पूरी बॉडी में नहीं मिल रही होती उनके बैक में या अपर बैक में पेन हो रहा होता है, वो पेन जाना शुरू हो जाएगा, और जो एक होता है लाइट हेडेडनेस लगती है एकदम कि पता नहीं क्या है, हम नींद में है, हम ख्वाब में है, तो वो चीज आपकी जो वो कैफियत है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चाहे यहाँ हाथ रखे, लॉक करें, इसको लॉक करें, सिर्फ और सिर्फ आपने असल में ट्विस्ट करना है, और इनहेल करते हुए आप यहाँ गए, एक्सहेल करते हुए वापस आए, और याद रहे कि इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। और सबसे आसान जो हम बताते हैं, सबसे आसान ये होता है कि चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज
एक वो एक्सरसाइज किस चीज के लिए होता है सलाफी चाइल्ड पोज? चाइल्ड पोज आपको प्रेजेंट में रहने की, ये एक बहुत कम लोग बताते हैं, प्रेजेंट में रहने की एक आपको जिसे कहते हैं सोच की यकसुई आपको देता है फोकस, पहली चीज तो ये। दूसरा आपकी स्किन तो अच्छी होती है, आपका सिस्टम, क्यों हमें आदत नहीं है कि ग्रेविटी की तरफ हम अपना सर करें, तो आप अपने आप को ग्राउंड कर देते हैं, आपकी जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है वो आप ग्राउंड करते हो। लेकिन एक चीज यहाँ से अहम, आपके क्वेश्चन रेज करने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई, हम मैट क्यों बिछाते हैं नॉर्मली? जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या कोई भी, जब भी कोई मेडिटेशन वगैरह करें, वाकई नीचे अपने मैट बिछाएं, फ्लोर पर डायरेक्ट कोई चीज ना करें, क्यों? उससे आप ग्राउंड हो जाते हो। हम चाह रहे हैं अगर आपने एनर्जी रिवाइटलाइज की है तो वो आप में रहे, रहे सही, तो यहाँ होगा कि आपने आप खुद को ग्राउंड करना है कि जो भी एनर्जी जो नेगेटिव है या इवन वेट लॉस वगैरह जो आप करना चाह रहे हो, तो जाहिर है ओबेसिटी नेगेटिव एनर्जी है, तो आप चाहते हो उससे जान छूटे। तो पहली चीज आपने स्ट्रेच किया खुद को, एक्सटेंड, बेंड हुए, यहां आ गए। अगर आपको सामने हाथ रखना मुश्किल लग रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ या यहाँ हाथ रखे या पीछे, ठीक हो गया। ये सबसे आसान चीज है ये, अगर तो नॉर्मली ये नॉर्मल लोग भी जरूर इसको प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉइंट क्या है, आप अगर, अब एक होता है डेड पोज, आप सिर्फ और जस्ट लाई डाउन, हाथ ऐसे रखे, लेग्स को भी ऐसे आपने वाइड किया और बैठ गया आराम से, ठीक है, ठीक तो है। ये चीज कितना आसान है, आसान है। अच्छा, तो इसलिए एक आखिरी मैसेज और आखिरी आसन जो आप हमारे देखने वालों को बताना चाहें, उसके बाद फिर हम फर्दर। ऑलराइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होगा जो मैं आखिरी चीज बताना चाहूंगी और मैसेज की तरफ आएंगे। आपने क्या करना, स्पाइनल ट्विस्ट की बात हो रही थी, एक चीज अपनी बैक को सीधा रखना, एक तो पोस्चर सीधा कोशिश करें। अभी होगा आसान सबसे, हार्ट ओपनिंग, हील्स उठाएं, एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। मैसेज आज के हवाले से ये होगा कि वक्त कैसा भी आए, एक चीज हमेशा याद रखें, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। ये चीज आपको हिम्मत देती है लाइफ में आगे जाने की, क्योंकि डिफिकल्टीज रहती हैं, सक्सेसफुल वो होते हैं जो उसको डील करना जानते हैं। तो दिस टू शैल पास, लवली, थैंक यू वेरी मच, सलाफ है सुबह सुबह इतनी जबरदस्त टिप्स बताने के लिए जनाब। आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली कैंसर के हवाले से आगाही का टॉपिक था, और हमने कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए कि किस तरह से कैंसर पेशेंट जो है, अगर खुदा न खास्ता उनको कोई प्रॉब्लम है अब, तो मेडिकेशन के साथ साथ वो इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली ये मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की है। अब घर पर जो आप समझते हैं कि आप एक्टिविटी करें, नहीं, एक डेडिकेटेड टाइम जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमें फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी नया सेट कैसा लगा, हम जरूर सुनना चाहेंगे इसमें हमने जो एडिशन की है। और उसके लिए हमारा फेसबुक पेज है, हमारी सोशल मीडिया टीम एक्टिव है। और आज का एपिसोड अगर आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।